हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी क्रिएशंस। मैं हूं सुमन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइपिंग पट्टी यानी कि उरे पट्टी की कटिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका। नॉर्मली सभी लोग जब भी उरे पट्टी की कटिंग करते हैं तो हम करते क्या हैं, कपड़े को सीधा रखते हैं, उस पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके पट्टी की कटिंग करते हैं। कई बार अपने जो कपड़ा होता है वो ऐसा कपड़ा होता है जो हमें कई ड्रेस पे मैच हो जाता है, लेकिन जब हम पट्टी की कटिंग करते हैं तो उसमें पट्टी कम निकलती है और जॉइंट ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है। और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके पट्टी की कटिंग करते हैं जब भी, तो इसमें जो बीच की जो पट्टी होती है वो बड़े होते हैं वो हमारे काम में आ जाती हैं, लेकिन जो साइड की पट्टियाँ होती हैं वो छोटी पट्टी होती हैं, जिसे हम जोड़ के यदि काम में लें तो उसमें जॉइंट ज़्यादा आते हैं, तो वो हमारा इस तरह से कपड़ा वेस्ट हो जाता है। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और पट्टी के लिए हमें बार बार जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। आपको जिस भी कपड़े की पूरे पट्टी की कटिंग करना है उस कपड़े को लेना है और उसे हमें डबल करना है, जैसा कि मैंने इसे डबल किया है। इसके एक भाग पर जॉइंट हुआ है पर तीन भाग इसमें खुले हैं। हमें करना क्या है, जिसमें ये जो खुले भाग है इन तीनों तरफ से जो खुला भाग है उस पर हमें आधा आधा इंच पर जो मैंने ये मार्क किया है, इस तरह से हमें तीनों तरफ मार्क करना है और इसी के ऊपर हमें सिलाई को लगाकर इसे हमें बंद करना है। इस तरह से ही हमारे चारों तरफ से ये बंद हो गया है। बंद होने के बाद इसमें हमें दोनों तरफ के आमने सामने के कॉर्नर को पकड़ना है। पकड़कर इसे हमें फोल्ड करना है और इसे हमें हल्का सा प्रेस करना है जिससे इस पे निशान पड़ जाए। जो ये निशान हुआ है इसी पर हमें कॉर्नर से कॉर्नर पर लाइन ड्रॉ करनी है। आप किसी भी कपड़े पर इस तरह की पट्टी की कटिंग कर सकते हो, कपड़े की छोटी साइज का भी हो या बड़ी साइज का हो, जिस भी साइज का हो उस पर इस तरह से हम पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। अब हमें जो लाइन ड्रॉ की है इसमें से ऊपर वाला ये डबल कपड़ा है, ऊपर वाले कपड़े को उठाना है और ये जो लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर से हमें कॉर्नर से कॉर्नर तक कटिंग करनी है। ये हमने कॉर्नर से लेके दोनों कॉर्नर तक हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे हमें खोलते हैं। खोलने के बाद जो कट किया है ये पट्टी जो हुई है हमारी, यानी जो कटिंग का जो ऊपर का हिस्सा है, ये हमारा उरे बन चुका है। ये उरे जब भी हमें उरे पट्टी की ज़रूरत पड़ती है हो तो इसमें से हम पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। जितनी बड़ी पट्टी आपको ज़रूरत हो उतनी बड़ी पट्टी हम ले सकते हैं। बाकी का कपड़ा हम इसी तरीके से सेफ रख सकते हैं। दूसरी ड्रेस पर हमें इसे यूज़ में लेना है तो फिर उसी के आगे से हमें दूसरी आगे की पट्टी कट कर सकते हैं। इससे हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इसमें पूरे कपड़े की पट्टी को हम यूज़ में ले सकते हैं। ना ही हमें जब पट्टी बनाते हैं तो बार बार जोड़ना पड़ता है, जॉइंट लगाना पड़ता है, लेकिन इस तरह से कपड़े पर कटिंग करने के बाद हमें ना ही तो बार बार जॉइंट लगाना पड़ेगा और जितनी पट्टी की आवश्यकता होती है उतनी पट्टी हम ले सकते हैं। इस तरह से हमने पट्टी की कटिंग कर